भैया जरा सबर करो, प्लेट में तो निकाल के देने दो। अरे सॉरी चाय वाले भैया, पर तुम्हारे टेस्टी समोसे और उन समोसों के लिए मेरे प्यार के आगे मुझे कुछ और दिखता ही नहीं है। खैर ये बताओ कि पैसे कितने हुए, बताओ ना। 400 रुपए हुए भैया। Once again, sorry, चाय वाले भैया, आज मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है। देखो ना, पर्स बिल्कुल खाली है। याद ही नहीं रहा कि पर्स में पैसे नहीं है। आज संडे है, बैंक भी बंद है। कोई बात नहीं चाय वाले भैया, तुम अपने आदमी हो, पैसे बाद में दे दूंगा, बाद में ले लेना। अरे मोटू, धंधे में दोस्ती नहीं। वो देखो बड़ा बड़ा लिखा है, आज नकद कल उधार। अरे चाय वाले भैया, तुम भी क्या आदमी हो, इतने सालों की दोस्ती को भूल गए, वो भी कुछ रुपयों के लिए। मैं तो वैसे ही तुम्हारे समोसे की खुशबू से पतंग की डोर की तरह खींचा चला आता हूँ। अरे पैसे कल ले लेना चाय वाले भैया प्लीज। अरे मैं कुछ नहीं जानता, देखो यहाँ लिखा है साफ साफ, आज नकद कल उधार। ए चाय वाले, मोटू जी जैसे रिस्पेक्टेड आदमी से तुम कुछ पैसों के लिए तू मैं कर रहे हो, बड़े शर्म की बात है। ये लो 400 रुपए। मोटू जी आप चिंता मत करिए, मैंने आपके 400 रुपए दे दिए हैं। कल बैंक खुलते ही मुझे लौटा दीजिएगा। बस यहाँ इस एग्रीमेंट पे साइन कर दीजिए कि मैंने आपको 400 रुपए दिए हैं। वो क्या है ना, मेरे मालिक को हर एक पैसे का हिसाब जो देना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कल सुबह यही मिलिए, मैं आपके पूरे पैसे लौटा दूंगा। लाओ, कहाँ साइन करना है बताओ ना। ये कर दिया साइन। क्या बिना पढ़े एग्रीमेंट साइन कर दिया? अरे तुम भी कमाल करते हो मोटू। अरे मतलब तुम तो हर किसी पर शक करते हो। अरे एग्रीमेंट को पढ़ना क्या, एक शरीफ आदमी बिना जान पहचान के मेरी मदद करता है, वो क्या कम बड़ी बात है। शराफत, विश्वास, इंसानियत भी कोई चीज होती है कि नहीं। साइन किया है कि 400 रुपए के बदले तुम 6 मंथ तक इनकी हवेली में काम करोगे, और तुम अभी तक इनकी हवेली नहीं गए। क्यों नहीं गए, ये गलत है। जब एग्रीमेंट साइन किया है तो जाना होगा, होगा 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 होगा, जाना होगा। क्या ये गलत है? अरे मैंने ऐसा कोई भी एग्रीमेंट में कोई साइन नहीं किया है, ये झूठ है। देखा मोटू, बिना सोचे समझे साइन करने का नतीजा, अब रहो 6 महीने बधुआ मजदूर बनके इनकी हवेली में। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब बोलो किधर लिखा है, अब बोलो। क्या कर रहे हो मोटू, क्या कर रहे हो? ये तुमको एग्रीमेंट की फोटो कॉपीज दे रहा है, असली ओरिजिनल कॉपी इसके पास रखा हुआ है। अब बेकार बहस मत करो, जाओ, वरना मैं तुम्हें एग्रीमेंट फाड़ने के जुर्म में, तोड़ने के जुर्म में जेल में डाल दूंगा, जाओ। ये लो सामान और लग जाओ काम पर, एक तिनका भी नहीं दिखना चाहिए, समझे? पतलू वेरी सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें भी काम करना पड़ रहा है, सॉरी। अब सॉरी बोलने की बजाय चुपचाप काम करो, और ये प्रतिज्ञा करो कि कभी मैं एग्रीमेंट पढ़े बिना साइन नहीं करूंगा। मैं एग्रीमेंट पढ़े बिना कभी साइन नहीं करूंगा, मैं एग्रीमेंट पढ़े बिना कभी साइन नहीं करूंगा, मैं एग्रीमेंट पढ़े बिना कभी साइन नहीं करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, एग्रीमेंट पढ़े बिना कभी साइन नहीं करूंगा, प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं एग्रीमेंट पढ़े बिना कभी साइन नहीं करूंगा। मदन सिंह, मैं एग्रीमेंट पढ़े बिना साइन नहीं करूंगा। लो, फर्श साफ हो गया। तुम दोनों अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो, वो देखो वहां मिट्टी दिख रही है।
साफ करो उसे। अरे जमीन को इतना चकाचक कर दिया है कि जमीन में अपनी शक्ल भी देख सकते हो। अरे अब क्या इतने छोटे से कंकड़ को भी देखोगे? इधर लाओ अपना ग्लास, इधर लाओ। अरे मतलब मेरी कमर टूट गई है, कुछ करो। तुमको शर्म नहीं आती? काम टालने के लिए बहाने बनाते हो। जाओ जाकर किचन में प्याज काटो, फिर किचन की प्लेट धो, फिर किचन साफ करो, फिर हवेली साफ करो, फिर बेडरूम साफ करो, फिर और हम सोएंगे कब? खाना कब खाएंगे? 6 महीने बाद। अरे पतलू 6 महीने तक ये सोने नहीं देगा। अरे अब रोने से कोई फायदा नहीं, हमें भी उसने तुम्हारी तरह बेवकूफ बनाया है और एग्रीमेंट साइन करवा लिया है। चुपचाप काम नहीं करोगे तो वो ना तो खाने के लिए देगा और ना ही सोने देगा। पतलू कुछ करो, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, जल्दी कुछ करो। आइडिया। हेलो चिंगम सर, आप जल्दी से हवेली में आ जाओ, हमें आपकी जरूरत पड़ेगी। भी आता हूँ। तुम दोनों ने हमेशा कानून की मदद की है, आज कानून की बारी है। YPR, when Chingam is here, मैं अब भी आता हूँ। अभी। ऐ मोटू, तुम्हें रोता देख मुझे भी रोना आ रहा है। पर क्या करूँ? I'm helpless, less, helpless. चिंगम सर, अब ये आंसू मदर सिंह की आंखों से निकलेंगे। सुनो करना क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनो। जाओ, चलो काम करते हैं। चिंगम सर आप आराम करो। ए, ठीक से काम करो, देखो तुमने सब प्याज गिरा दिए। सॉरी, प्याज तुम उठा लो, क्योंकि हमें तो सिर्फ प्याज काटने को कहा गया है, नीचे से उठाने को नहीं। मैं अब प्लेट्स धोने जा रहा हूँ। ये सब नुकसान का हर्जाना भरना होगा। चिंगम सर, एग्रीमेंट में हर्जाने की बात लिखी है क्या? सॉरी मदर सिंह, एग्रीमेंट में सिर्फ काम के बारे में ही लिखा है, तुम इन पे हर्जाना नहीं लगा सकते। हर्जाना लगाया तो जेल जाओगे। मैं हर्जाना नहीं ले सकता हूँ तो इन्हें रोक तो सकता हूँ। तुम लोग देख क्या रहे हो, रोको उस मोटू को, पूरा घर तोड़ने में लगा है। तुम लोग एक आदमी को रोक नहीं पा रहे हो, रोको उसे। सर, कुछ फायरिंग आप भी कर दो, मुझे टारगेट प्रैक्टिस करनी है। भैया मैं फायरिंग मैं करूंगा तो टारगेट प्रैक्टिस तुम कैसे करोगे? फायर तो कीजिए। कंधे लग रहे हो, आपकी सफाई करता हूँ, वरना यहाँ साइन कर दो, जल्दी साइन कर दो। इस एग्रीमेंट में लिखा है कि मैं मदर सिंह अपने पूरे होशो आवास में ये स्वीकार करता हूँ कि मैं लोगों को हेल्प करने के बहाने उनको एग्रीमेंट साइन करवा के मुफ्त काम करवाता था, इसीलिए मुझे कम से कम 6 महीने की सजा दी जाए। सजा 6 महीने की सजा। मेरी मत ही मारी गई थी जो मैंने मोटू से एग्रीमेंट साइन करवाया। मैं इतना बड़ा जमींदार, अब जेल जाऊंगा। मोटू पतलू जिंदाबाद, मोटू पतलू जिंदाबाद।
Yeah.